कोलकाता का नाम सुनकर सबसे पहले याद आता है हावड़ा ब्रिज। आइए जानें इस खूबसूरत पुल से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। क्या आप कभी कोलकाता गए हैं? यदि हाँ तो कोलकाता की सबसे खूबसूरत चीज क्या लगी? मुझे तो जब भी कोलकाता का जिक्र होता है एक ही चीज याद आती है और वो है कोलकाता का हावड़ा ब्रिज। वास्तव में अपनी अद्भुत खूबसूरती की वजह से कोलकाता की सबसे खास जगहों में से एक ये ब्रिज न सिर्फ अपनी खूबसूरती को प्रस्तुत करता है बल्कि लोगों के बीच मुख्य आकर्षण का केंद्र भी है जिसे देखने विदेशों तक से पर्यटक आते हैं। आखिर क्या खास है इस हावड़ा ब्रिज में और क्यों इसकी अद्भुत खूबसूरती अपनी ओर आकर्षित करती है? आइए जानें हावड़ा ब्रिज से जुड़ी कुछ ऐसी रोचक बातें जो आपने पहले नहीं सुनी होंगी। बिना नट बोल्ट के बना पुल। हावड़ा ब्रिज एक कैंटिलीवर पुल है जो पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पर फैला है। यह एक ब्रैकेट ब्रिज एक कैंटिलीवर का उपयोग करके बनाया गया है। संरचनाएं जो क्षैतिज रूप से अंतरिक्ष में प्रोजेक्ट करती हैं, केवल एक छोर पर समर्थित हैं। दूर से देखने में इस ब्रिज की संरचना किसी गणितीय संरचना को प्रस्तुत करती है। सामान्यतः कोई भी ब्रिज कई खंभों पर टिका होता है लेकिन यह एक ऐसा पुल है जो केवल चार खंभों पर टिका हुआ है जिसमें दो नदी के इस तरफ और दो नदी के उस तरफ दिखाई देते हैं। पुल में नट और बोल्ट नहीं है और इसे पूरी संरचना को चीरकर बनाया गया था। कब पड़ा रविंद्र सेतु नाम। इस पुल के निर्माण के लिए तत्कालीन बंगाल सरकार के द्वारा एक एक्ट पारित किया गया जिसे हावड़ा ब्रिज एक 1926 के नाम से जाना जाता है। बहुत कम लोगों को ये जानकारी है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानियों द्वारा इस ब्रिज को नष्ट करने की कोशिश की गई थी, हालांकि उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। 14 जून 1965 को महान राष्ट्रीय कवि गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के नाम पर पुल का नाम बदलकर रवींद्र सेतु रखा गया। हालांकि यह अभी भी हावड़ा ब्रिज के रूप में अधिक लोकप्रिय है। ब्रिज पर चलते हैं लाखों यात्री। इस पुल से प्रतिदिन लगभग 1,00,000 वाहन एवं लगभग 1,50,000 पैदल यात्री हुगली नदी को पार करते हैं जो पश्चिम बंगाल के दो प्रमुख शहरों कोलकाता एवं हावड़ा को जोड़ता है। पुल का उपयोग करने वाला पहला वाहन पहले ट्राम था। इसके निर्माण के समय यह तीसरा सबसे लंबा कैंटिलीवर पुल था। अब यह दुनिया में अपने प्रकार का आठवां सबसे लंबा पुल है। बॉलीवुड फिल्मों के बीच आकर्षण का केंद्र। कई बॉलीवुड फिल्मों और फिल्म निर्माताओं के बीच ये पुल मुख्य आकर्षण का केंद्र है। रात के समय इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। कई फिल्मों की शूटिंग इस पुल पर हो चुकी है। बॉलीवुड ही नहीं बल्कि मलयालम, बंगाली, तमिल सभी फिल्मों की शूटिंग भी इसी पुल में कई बार हुई है। पश्चिम बंगाल का यह खूबसूरत पुल न सिर्फ वहां के स्थानीय लोगों के बीच बल्कि विदेशों तक के पर्यटकों के बीच मुख्य आकर्षण का केंद्र है। यह पूरे विश्व में अपनी खास बनावट के लिए विख्यात है। यदि आप कोलकाता की यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो एक बार इस पुल की खूबसूरती देखने जरूर जाएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। इसी तरह हम कुछ खास वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। सब्सक्राइब और शेयर भी करो।